हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग सेकंड वेटिंग लिस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। चलिए जानते हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट के। तो गाइस, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती विज्ञप्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कुल लगभग 900 करीबन प्लस पोस्ट रखे गई थी आयोग के द्वारा। इसमें आपका जो है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा छात्रावास अधीक्षक हो गया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होगा, ग्राम विकास अधिकारी होगा, मैटर केयर होगा और अन्य चकबंदी अधिकारी होगी, और सुपरवाइजर है, समाज कल्याण अधिकारी है, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अन्य पद रखे गए थे। कुल 900 के करीबन पद थे। इसकी यहाँ पर जो है द्वितीय वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, आपकी सेकंड औपबंधिक जो लिस्ट थी वेबसाइट इसमें प्रकाशित की गई है, ठीक है, और वो 25 जनवरी को आपको वेबसाइट में देखने को मिल गया होगा। लेकिन इसके लिए अभिलेख सत्यापन आपके नहीं हुए थे और वेटिंग लिस्ट इसके लिए निकाली गई थी सेकंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है, और उन पदों पर अब यहाँ पर 16 फरवरी को आयोजित कराया जा रहा है वेटिंग लिस्ट वाले के। सेकंड वेटिंग लिस्ट का जो वीडियो वाली भर्ती थी 900 करीबन पद, उन सभी का 16 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। इसके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है आयोग के द्वारा, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आप लोग देख लेना वेबसाइट में जाकर। ये 15-25 जनवरी को निकाला गया था इसका वेटिंग लिस्ट, और 16 तारीख को अब यहाँ जनवरी में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और अपना 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना है, निर्धारित समय पर आपको 9:30 बजे कार्यालय पहुंचना है, और जो भी अपेंडिक्स 79 वाला है वो संवाद वाला, उसको चेकलिस्ट के रूप में आप लोग जरूर देखें, उसकी प्रति करके दो दो अलग तैयार करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको लेके जाना है। और यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में ये अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन कार्यालय में नहीं पहुँचते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो आपको जो है अंतिम चयन से यहाँ पर जो है वंचित कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा 7 दिन के भीतर। अगर 16 तारीख को है, 16 तारीख के बाद अगर 7 दिन का और समय दिया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है हटा दिया जाएगा अगर कैंडिडेट नहीं पहुँचते हैं।